ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके भक्तिर्भवति नैष्टिके। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। 15वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। वृक्णे स्वशूले बहुधारिणा हरे प्रत्येत विस्तीर्णम उरो विभूतिमत् प्रबद्धरोषः सकठोर मुष्टिना नदन् प्रहत्य अन्तर्धीयता असुरः तद्धीयत असुरः। वृक्णे स्वशूले बहुधारिणा हरे प्रत्येत विस्तीर्णम् उरो विभूतिमत् प्रबद्धरो सहस कठोर मुष्टिना नदन प्रहत्य अंतर्धीयता सुरः। मेरे साथ पढ़िए। वृक्णे स्वशूले बहुधारिणा हरे प्रत्येत विस्तीर्णम् उरो विभूतिमत् प्रबद्धरोषः स कठोर मुष्टिना नदन् प्रहत्य अन्तर्धीयत् असुरः असुरः नदन प्रहत्य अन्तर्धीयता असुरः नदन प्रहत्य अन्तर्धीयता असुरः। शब्दार्थ है प्रकरण कटने पर स्वशूले अपना त्रिशूल बहुधा अनेक खंडों में अरिणा सुदर्शन चक्र द्वारा
उसने अपना त्रिशूल फेंका था भगवान के ऊपर, तो सुदर्शन चक्र ने उसके खंड खंड कर दिए थे। अरे ना, सुदर्शन चक्र द्वारा हरे श्री भगवान की प्रत्येत्य और बढ़कर विस्तीर्णम चौड़ा पूरा पक्ष स्तर विभूति मत धन की देवी का आवास, भगवान का जो बक्ष स्तर है, प्रबुद्ध बड़ा हुआ रोषः क्रोध सह हृणाक्ष कठोर कठोर मुष्टिना अपनी मुट्ठी से नदन गर्जता कर गर्जना करके प्रहत प्रहार करके अंतर्धियत अंतर्धान हो गया असुर असुर। जब श्री भगवान के चक्र से उसका त्रिशूल खंड खंड हो गया तो असुर अत्यंत क्रोधित हुआ, अतः वह भगवान की ओर लपका और तेज गर्जना करते हुए उनके चौड़े वक्ष स्थल पर जिस पर श्री वत्स का चिन्ह था अपनी कठोर मुष्टिका से प्रहार किया, फिर वह अदृश्य हो गया। मेरे साथ पढ़िए, जब श्री भगवान के चक्र से उसका त्रिशूल खंड खंड हो गया तो असुर अत्यंत क्रोधित हुआ अतः वह भगवान की ओर लपका और तेज गर्जना करते हुए उनके चौड़े वक्ष स्थल पर जिस पर श्री वत्स का चिन्ह था अपनी कठोर मुष्टिका से प्रहार किया, फिर वह अदृश्य हो गया। तात्पर्य माता जी, हरे कृष्णा हर्षा माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, श्रीवत्स श्वेत बालों की बोरी है जो भगवान के वर्ष स्थल पर है और उनके श्री भगवान होने की विशिष्ट चिन्ह है। वैकुंठ लोक अथवा गोलोक वृंदावन में सभी निवासी श्री भगवान के ही समरूप होते हैं, अतः इसी श्रीवत्स चिन्ह के द्वारा भगवान को अन्यों के बीच पहचाना जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। श्री वत्स का जो चिन्ह है ये एक दूसरा और वैकुंठ में ये आपका जो कस्तूरी जो है मृग कस्तूरी उससे वो भगवान के गले में होती है, ये दो पहचान भगवान की होती है। तो श्री वत्स भगवान के चिन्ह होता है वैकुंठ में, पर्टिकुलरली चार हाथ जहां होते हैं, कलर भी सबका रंग भी एक सा होता है सांवला, तो उसमें पहचान भगवान को कैसे पहचाने, ये वक्ष स्थल श्री वत्स का चिन्ह जो 16वां श्लोक है। तेने तम आतः क्षतः, क्षत क्या है, विदुर है। तेने तम आतः क्षतः भगवान आदि सूकरः न अकंपत मना क्वापी सुजा हत इव द्विपः। मेरे साथ पढ़िए, तेने थम तेने तम आतः क्षतः भगवान आदि सूकरः न अकंपत मना शब्दार्थ है ते हिरणाक्ष द्वारा इत्तम इस प्रकार आहत प्रहार किया गया, क्षतः हे विदुर भगवान श्री भगवान आदि शुक्र प्रथम शुक्र न अकंपत हिला डुला नहीं मना तनिक भी को अपि कहीं भी सजा पुष्प की माला से अतः मारा गया इव सदृश द्विपह आती।
हे विदुर, असुर द्वारा इस प्रकार प्रहार किए जाने पर आदिवारा रूप भगवान के शरीर का कोई भी अंग तनिक भी हिला डुला नहीं। इतना जबरदस्त तो उसने अपने मुष्टिका से प्रहार किया था भगवान के बक्ष स्थल पर, लेकिन कैसा लगा? जैसे किसी हाथी पर फूल की माला से प्रहार किया गया हो, तो हाथी को क्या फर्क पड़ेगा फूल से आप मारे भी तो। ऐसा भगवान अब उसको रूप दिखा रहे हैं अपना। पहले तो शुरू में दिखाया था जैसे कि वो भी ताकतवर है, भगवान भी ताकतवर है, लेकिन भक्त को तो पता है भगवान के जैसा बल तो किसी में होता ही नहीं। अब भगवान तनिक भी हिले नहीं उसके प्रहार से। मेरे साथ पढ़िए, हे विदुर, हे विदुर, असुर द्वारा इस प्रकार प्रहार किए जाने पर, आदि बारा रूप भगवान के शरीर का कोई भी अंग तनिक भी हिला डुला नहीं, मानो किसी हाथी पर फूलों की वर्षा से प्रहार किया गया हो, फूलों की माला से प्रहार किया गया हो। हाँ, तो हाथी को हाथी क्यों हिलेगा उससे? इसी प्रकार ऐसा लगा जैसे फूलों से फूल मार दिया किसी को, तो उसको हमको ही कुछ नहीं होगा, हाथी को क्या हो सकता है। ऐसा लगा कि जब उसने भगवान पर प्रहार किया, भगवान को ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, हिले ही नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य जैसा कि बताया जा चुका है, ये असुर पहले वैकुंठ लोक में भगवान का पार्षद था, किंतु किसी कारणवश वो असुर बन गया। वो अपनी मुक्ति के लिए भगवान से युद्ध कर रहा था। भगवान को अपने दिव्य शरीर में उसके द्वारा किया गया प्रहार वैसा ही आनंद दे रहा था जिस प्रकार प्रौढ़ पिता से छोटा शिशु लड़े। कभी कभी बाप और बेटे में बनावटी युद्ध होता है तो बाप को आनंद मिलता है, उसी प्रकार भगवान को हिरणाक्ष द्वारा किया गया प्रहार पूजा में चढ़ाए फूलों के समान प्रतीत हुआ। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि भगवान अपना दिव्य आनंद लेने के लिए लड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्हें इस आक्रमण से सुख मिल रहा था। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। ये पहले भी कहा था जब भगवान ने उनको भेजा नीचे, भगवान को बताया था कि युद्ध करने का मन कर रहा था किसी से, तो कोई ऐसा शक्तिशाली हो। और भगवान किसी दुर्बल से लड़े क्या मजा है, ऐसा योद्धा हो जो उतना टक्कर दे सके। तो दिया उसने, दिया शुरू में। अब भगवान अब उसको खत्म करने वाले हैं, इसलिए भगवान असली रूप में अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। 17वां श्लोक। अथोरुधा सज्जन सज्जन मायां योग माएश्वरे हरौ यां विलोक्य प्रजा प्रजाहत त्रस्ता मेरे अस्यो अस्य उपसंयमम्। अथोरुधा सज्जन सज्जन मायां योग माएश्वरे हरौ यां विलोक्य प्रजाहत त्रस्ता मेनरे अस्य उपसंयमम्। मेरे साथ पढ़िए। अथोरुधास जन्मायाम योग माएश्वरे हरौ यां विलोक्य प्रजाः त्रस्ता मेनरे अस्य उपसंयमम्। शब्दार्थ है अत तब उरुधा अनेक प्रकार से असजत चलाई माया कपटपूर्ण चाने उसने योग माया ईश्वरे योग माया के ईश्वर
हरव हरि पर याम जिसको विलोक के देखकर प्रजा लोग त्रस्ता भयभीत। मैंने सोचा अस्य इस ब्रह्मांड का उपसंयम संयम संहार प्रलय होने वाला, ऐसा लगा लोगों को, ऐसा किया उसने, माया भी था ना। किंतु असुर ने योगेश्वर भगवान पर अनेक कपटपूर्ण चालों का प्रयोग किया। यह देखकर सभी लोग भयभीत हो उठे और सोचने लगे कि ब्रह्मांड का संहार निकट है। देवता लोग ऐसा सोचने लगे, मेरे साथ पढ़े, किंतु असुर ने योगेश्वर भगवान श्री भगवान पर अनेक कपटपूर्ण चालों का प्रयोग किया। यह देखकर सभी लोग भयभीत हो उठे और सोचने लगे कि ब्रह्मांड का संहार निकट है। हाँ, ये सब देखता है, जो लोगों के लोग तो सब देख रहे थे ना। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अनिता खंडेलवाल माता जी। अनिता माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। बढ़िया माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा, किंतु असुर ने योगेश्वर श्री भगवान माता जी तात्पर्य नहीं तात्पर्य बढ़िया तात्पर्य सॉरी तात्पर्य भगवान तथा उनके भक्त का जो असुर रूप में परिणत हो गया था, वह यह युद्ध इतना भीषण प्रतीत होने लगा मानो ब्रह्मांड में प्रलय होने वाली है। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महानता है। उनकी एक उंगली का उठना ही ब्रह्मांड के वासियों की दृष्टि में अत्यंत अनिष्टकारी माना जाता है। हरे कृष्ण। तो भगवान तथा उनके भक्त का जो असुर के रूप में परिणत हो गया, इतना भीषण प्रतीत होने लगा तब, क्योंकि उसने बहुत चाले चली बाद में, इसलिए अब पता लगेगा वो क्या कर रहा है। 18वां श्लोक पढ़ते हैं। प्रवहु वायवः चंडा तमः पांसवम् ऐरयन् तिग्भ्यो निपेतु निपेतु ग्रामाणा क्षेपणे प्रहिता इव। प्रववुः वायवः चण्डाः तमः पांसवम् ऐरयन् तिग्भ्यो निपेतु ग्रामाणा क्षेपणे प्रहिता इव। मेरे साथ पढ़िए। प्रभवुः वायवः चण्डाः। प्रभवुः प्रभवुः वायवः चण्डाः तमः पांसवम् ऐरयन् तमः पांसवम् ऐरयन् दिग्भ्यो निपेतुर्ग्रामाणः दिग्भ्यो निपेतुर्ग्रामाणः क्षेपणे प्रहिता इव। शब्दार्थ है प्रभु बह रही थी वायवः हवाएं चंडा भयानक तमः अंधकार पांसवम धूल से उत्पन्न एरियन फैल रहे थे दिग्भ्यः सभी दिशाओं से निपेतुः गिरे ग्रामाणः पत्थर क्षेपणे मशीन गनों से प्रहिता के गए एवं मानो यह होने लगा। तभी लोगों को लगा ये प्रलय होने वाला है। सभी दिशाओं से प्रचंड वायु बहने लगी एक और धूल तथा उपल वृष्टि से अंधकार फैल गया। प्रत्येक दिशा से पत्थर गिरने लगे
मानव वै मशीन गनों द्वारा फेंके जा रहे, ये किया उसने लाख से ये कर रहा। मेरे साथ पढ़िए, सभी दिशाओं से, सभी दिशाओं से प्रचंड वायु बहने लगी, प्रचंड वायु बहने लगी, और धूल तथा उपल वृष्टि से, और धूल तथा उपल वृष्टि से अंधकार फैल गया, अंधकार फैल गया। प्रत्येक दिशा से पत्थर गिरने लगे, मानव वे मशीन गनों द्वारा फेंके जा रहे हूँ, नष्ट भगणान प्रोग है सभिद्वित स्तन यत्न भी परसद भी पूय के साश्रिक भिण मूत्र अस्ति अस्ति नीचा असकृत द्योर नष्ट भगणान प्रोग है सभिद्वित स्तन यत्न भी बरसात भी पूय केसा केसा श्रिक फिर मूत्र अस्ति नीचा असकृत असकृत। मेरे साथ पढ़िए, द्योर नष्ट भगणार प्रोग है, द्योर नष्ट भगणार सब विद्वित स्तन यत्न भी वर्षत भी पूय के साश्रिक केश अश्रिक ये मतलब है विण मूत्र अस्ति नीच असकृत हाँ अब इतनी गंदगी भी आने लगी। द्योह आकाश नष्ट विलुप्त भगण नक्षत्र गण अभ्र बादलों से बादलों के ओघय समूह से सहित विद्युत बिजली स्तन यत्न भी तथा कड़क गर्जना से बरसत भी परसने परसने से पूयह पीप केशह बाल अश्रिक रक्त बिष्टा मूत्र मूत्र अस्थिनी हड्डियां च यथा असकृत पुनः पुनः बिजली तथा गर्जना से युक्त आकाश में बादलों के समूह घिर आने से नक्षत्रगण विलुप्त हो गए क्योंकि सब ढक गया। आकाश से पीप बाल रक्त मल मूत्र तथा हड्डियों की वर्षा होने लगी, ऐसा कर दिया उसने। माया भी था बताया ना, मेरे साथ पढ़िए, बिजली तथा गर्जना से युक्त, बिजली तथा गर्जना से युक्त, बिजली तथा गर्जना से युक्त आकाश में बादलों के समूह, आकाश में बादलों के समूह घिर आने से, घिर आने से नक्षत्र गण विलुप्त हो गए, नक्षत्र गण विलुप्त हो गए। हाँ, आकाश में आपको न तो चांद दिखा, न आपको सूरज दिखा, ना आपको तारे दिखे। आकाश से पीप बाल रक्त, आकाश से पीप बाल रक्त मल मूत्र तथा हड्डियों की वर्षा होने लगी, मल मूत्र तथा हड्डियों की वर्षा होने लगी। ये किया उसने, उसको इतनी शक्ति थी हिरणाक्ष को। गिरह प्रत्यदृश्यंत नाना युद्ध मुचो अनग दिग्वाससो यातु धान्यः शूलिन्यो मुक्त मूर्धजा। मेरे साथ पढ़िए, गिरह गिरह गिरयः प्रत्यदृश्यंत गिरयः प्रत्यदृश्यंत नाना युद्ध मुचो अनग दिग्वाससो यातु धान्यं
दिग्वासो मुक्त मूर्धजा शब्दार्थ गिरय पर्वत प्रत्यदृश्यंत दिखने लगे नाना अनेक प्रकार के आयुध अस्त्र शस्त्र मुचह छोड़ते हुए अनक हे पाप मुक्त विदुर अनक कहा जाता है जिसमें कोई पाप नहीं है। भगवान अर्जुन को कहते थे भगवद गीता में आपने याद होगा हे अनक दिग्वाससः दंगी या तो धान्य राक्षसन्या राक्षसन्या शून्यन्या त्रिशूलों से सज्जित मुक्त लटकते मूर्धजा बाल राक्षसन्या भी आ गई ये भी पैदा कर दिया उसने। हे अनक विदुर पर्वतों से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलने लगे पर्वतों से और त्रिशूल धारण किए हुए नग्न राक्षसियां अपने खुले केस लटकाते हुए प्रकट हो गई ये किया उसने हिरणाक्ष से। मेरे साथ पढ़िए हे अनक विदुर पर्वतों से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलने लगे और त्रिशूल धारण किए हुए नग्न राक्षसियां अपने अपने खुले केश लटकाते हुए प्रकट हो गई अब इसको भगवान कैसे निपटते हैं इससे 21वां श्लोक बहुर्भिर यक्ष रक्षो भी पत्यस्वरत कुंजर आतताई उत्सृष्टा हिंसा वाचो अतिवैशसा बहुभिर्यक्ष रक्षो भी पत्यस्वरत कुंजर आतताई भिर उत्सृष्टा हिंसा वाचो अतिवैशसा। मेरे साथ पढ़िए बहुभिर्यक्ष रक्षो भी पत्यस्वरत कुंजर आतताई भी उत्सृष्टा हिंसा वाचो अतिवैशसा बहु भी अनेक यक्ष रक्षो भी यक्षों तथा राक्षसों के द्वारा पति ही पैदल अश्व घुड़सवार रथ रथ पर चढ़े हुए कुंजरे अथवा हाथियों से इतनी चीजें प्रकट कर दी उसने आतताई भी आतताइयों द्वारा उत्सृष्टा उच्चारित हिंसा क्रूर वाच शब्द अति वैससा हिंसक यक्षों तथा राक्षस आतताइयों के समूह अत्यंत क्रूर एवं अशिष्ट नारे लगा रहे थे जिनमें से अनेक या तो पैदल जा रहे थे या घोड़े हाथियों अथवा रथों पर सवार थे। इतनी चीजें पैदा कर दी उसने राक्षस ने अपने बल पर। मेरे साथ पढ़े यक्षों तथा राक्षस आतताइयों के समूह अत्यंत क्रूर एवं अशिष्ट नारे लगा रहे थे जिनमें से अनेक या तो पैदल जा रहे थे या घोड़े हाथियों अथवा रथों पर सवार थे अथवा रथों पर सवार थे।
प्रादुष्कृतानां मायानां आसुरीणां विनाशयत् सुदर्शन अस्त्रं भगवान् प्रायुङ्क्त दयितं त्रिपात। भगवान का सुदर्शन चक्र हर एक चीज को खत्म कर देता है। प्रादुष्कृतानां मायानां आसुरीणां विनाशयत् सुदर्शन अस्त्रं भगवान् प्रायुङ्क्त दयितं त्रिपात। मेरे साथ पढ़िए। प्रादुष्कृतानां मायानां सुदर्शन अस्त्रं भगवान् प्रायुङ्क्त दयितं त्रिपात्। प्रादुष्कृतानां प्रदर्शित माया नाम जादुई शक्तियां इंद्रजात आसुरी नाम असुर द्वारा प्रदर्शित तो इनके पास असुर के पास ये जादुई शक्तियां होती हैं इंद्रजात कहते हैं। आसुरी नाम असुर द्वारा प्रदर्शित विनाशयत विनष्ट करने का इच्छुक सुदर्शन अस्त्रम सुदर्शन चक्र भगवान श्री भगवान ने प्रायुक्त फेंका। दैतम प्रिय त्रिपात समस्त यज्ञों के भोक्ता। तब समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा जो असुर द्वारा प्रदर्शित समस्त इंद्रजाल की शक्तियों यानी माया जाल को तहस नहस करने में समर्थ था। ये जो आप सुन रहे हैं ये वर्षा हो रही है गंदगी आ रही है और राक्षसियां आ रही हैं ये सब जो राक्षस आ रहे हैं पैदल आ रहे हैं घोड़े में आ रहे हैं रथ में आ रहे हैं ये सब भगवान ने ये छोड़ा सब तहस नहस करने में समर्थ था भगवान का ये सुदर्शन चक्र। मेरे साथ पढ़िए। तब समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा जो असुर द्वारा प्रदर्शित समस्त इंद्रजाल की शक्तियों जिसे माया जाल भी कहते हैं को तहस नहस करने में समर्थ था तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। प्रख्यात योगी तथा असुर कभी कभी अपनी योग शक्ति से अत्यंत जादुई करामाते दिखलाते हैं किंतु जब भगवान अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ देते हैं तो ये सारे इंद्रजाल विलुप्त हो जाता है। इस प्रसंग में दुर्वासा मुनि तथा महाराज अम्बरीश के बीच युद्ध का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। दुर्वासा मुनि अनेक आश्चर्यजनक योग युक्तियां दिखाना चाह रहे थे किंतु जब सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ तो वे स्वयं डर गए और अपनी रक्षा के लिए विभिन्न लोकों में दौड़ते फिरे। भगवान को यहाँ पर त्रिपात कहा गया है जिसका अर्थ है कि वे तीनों प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भगवत गीता में भगवान ने स्वयं इसकी पुष्टि की है कि वे समस्त यज्ञों तपों तथा तपस्याओं के भोक्ता हैं। भगवान तीन प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भगवत गीता में आगे भी वर्णन आया है कि द्रव्य ध्यान तथा चिंतन के भी यज्ञ होते हैं जो ज्ञान योग तथा कर्म मार्गों पर चलने वाले हैं उन सबको अंततः परमेश्वर के पास जाना होता है क्योंकि वासुदेवः सर्वम् इति समस्त वस्तुओं का परम भोक्ता परमेश्वर ही है। समस्त यज्ञ का यही सिद्धि है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। त्रिपाद यज्ञ क्या है? तप तपस्या और यज्ञ इसके भोक्ता है भगवान। इसलिए तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं तो ये सारे इंद्रजाल विलुप्त हो जाते हैं। इस प्रसंग में दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश आएगा भागवतम में इनका वर्णन है आगे क्योंकि अम्बरीश महाराज भगवान के इतने महान भक्त थे उनका भागवतम में वर्णन हो ही नहीं सकता।
तो अम्बरीश महाराज के ऊपर दुर्वासा मुनि क्रुद्ध हो गए, बिल्कुल गलत, क्योंकि वो हमेशा ही क्रुद्ध होते हैं और दुर्वासा मुनि जब उनको सोचने लगे कुछ दंड देने के लिए, सुदर्शन चक्र आ गया भगवान का। ये कथा हम पढ़ेंगे बाद में, वैसे हमने बहुत बार सुनाई भी है संक्षेप में, तो उधर अच्छी तरह पढ़ेंगे भागवतम में। तो ये सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ तो स्वयं डर गए, कौन दुर्वासा मुनि, भागते भागते फिर भगवान के पास गए बचाओ। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने नहीं छोड़ा, वो तो अपने आप गया मेरे भक्त को बचाने के लिए, तो उसी से कहो, उसी से मांगो। तो ऐसे भगवान का सुदर्शन चक्र हर चीज को, जहां भी भगवान को कोई चीज को हल करना होता सुदर्शन चक्र फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं और सारी चीजें अपने खराब चीजें सब नष्ट हो जाती हैं। तदादिते संभवत, तथादिते संभवत सहसा हृदि बेपतु स्मरन्त्या भर्तुर आदेशम स्तनात् सनात् च असृग प्रसुस्रुवे प्रसुस्रुवे असृग प्रसुस्रुवे। तदा दिते, दिति का पुत्र है ना, तदा दिते संभवत सहसा हृदि बेपतुः स्मरन्त्या भर्तुर आदेशम स्तन स्तन स्तनात् स्तनात्, ये चौको तो में एक आधा चौको तो हो गया, स्नात् च असृग प्रसुस्रुवे, मेरे साथ पढ़िए, तदादिते संभवत तदादिते संभवत सहसा हृदि बेपतुः सहसा हृदि बेपतुः स्मरन्त्या भर्तुर आदेशम शब्दार्थ है तदा उसी क्षण दिते दिति के संभवत उत्पन्न हुआ सहसा अचानक हृदय हृदय में बेपतुः कंपन स्मरन्त्या स्मरण करके भर्तुः अपने पति कश्यप के आदेशम वचन स्तनात् स्तन से च तथा असृग रक्त प्रसुस्रुवे बहने लगा। उसी क्षण हिरणाक्ष की माता दिति के हृदय में सहसा एक थरथराहट हुई, उसे अपने पति कश्यप के वचनों का स्मरण हो आया और उसने उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। ये आप इस क्लास में बहुत सी माताएं बैठी हैं, ये माताओं को बच्चों को कोई तकलीफ हो पता लग जाता है। मैं अपने घर में भी सुनता हूं ये कि बच्चा कोई अगर तकलीफ में है माँ को पता लग जाता है, या उसको कुछ ऐसा एहसास हो, कोई ऐसा सपना आए, या उसका कोई शरीर का कोई अंग पड़के जो भी है उनका अपना अनुभव यह होता है, तो माँ को, माँ का बच्चे और माँ के बीच में टेलीपैथी चलती है, ये है, ये गलत नहीं है, ऐसा होता है, होता है, क्योंकि मैं इसको सुनता रहता हूँ घर में और वो कई बार सही भी होता है। माँ को पता लगता बच्चा कष्ट में है तो एकदम टेलीफोन करके पूछ सकते हो आप, तो बच्चे को कोई कष्ट है तो आप देखते हैं, तो तरह तरह के ये चीजें होने लगती हैं। ये चीज दिति में भी आया है और आप लोगों के जो बच्चे माताएं हैं जिनके बच्चे उनके पास नहीं हैं बाहर हैं उनको ऐसा एहसास शायद हो।
मेरे साथ पढ़े, उसी क्षण हिरण्याक्ष की माता दिति के हृदय में सहसा एक थरथराहट हुई, उसे अपने पति कश्यप के वचनों का स्मरण हो आया और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। हाँ, ये अब उसको पता था, उसने कहा था कि वो भगवान के द्वारा मारे जाएंगे। तब दिति खुश हुई थी, उसने कहा ये तो बहुत अच्छा है, भगवान के हाथों से अगर मेरा बच्चा मरे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो अभी, लेकिन ये उसने कहा तब, ये अच्छी, उसको अच्छा लगा ये, लेकिन अगर उसको अपने जीते जी बच्चा अगर जा रहा है तो माँ को अच्छा थोड़ी लग सकता है, इसलिए उसको ये चीजें आ रही है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। संतोष गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे कृष्णा। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हिरण्याक्ष के अंतिम समय पर उसकी माता दिति को अपने पति के वचनों का स्मरण हो आया कि यद्यपि उसके पुत्र असुर होंगे किंतु स्वयं भगवान के हाथों से मारे जाने का वे लाभ उठाएंगे। भगवत कृपा से उसे ये वचन स्मरण हो आए और उसके स्तनों से दूध के बजाय रक्त बह निकला। यह कई बार देखा गया है कि जब माता अपने पुत्रों के स्नेह से विचलित हो उठती है तो उसके स्तनों से दूध बहने लगता है। यहाँ पर असुर की माता का रक्त दूध में नहीं बदल सका, वरन उसी रूप में बह निकला। रक्त ही दूध में बदलता है। दूध का पीना शुभ है किंतु रक्त पीना अशुभ है, यद्यपि दोनों एक ही हैं। यही बात गाय के दूध पर भी लागू होती है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। तो ये हुआ उसमें 24वां श्लोक। भिनस्तासु स्वमायासु भूयश्च अप्रज्ज केशवम् रसोपगोहमानो अमुम् दशसे अवस्थितं बहिः। भिनस्तासु स्वयमासु स्वमायासु भूयश्च अप्रज्ज केशवम् रुषोपगोहमानो अमुम् ददृशे अवस्थितं बहिः। मेरे साथ पढ़िए। विनष्टास्तु स्वमायासु भूयः च अप्रज्ज केशवम् रुषो अपगुहमानो अमुम् रुषा उपगुहमानो अमुम्। एक ही बात है। दृश्य से अवस्थितं बहिः। शब्दार्थ है विनष्टास्तु, दूर हो जाने पर, स्वमायासु अपनी माया शक्ति, भूयः पुनः च यथा आव्रज्य सामने आकर केशवम् श्री भगवान को रुषा क्रोध से पूर्ण उपगुहमानः आलिंगन करते अमुम् भगवान को ददृश्य देखा अवस्थितम् खड़े हुए बहिः बाहर। जब असुर ने देखा कि उसकी माया शक्ति विलुप्त हो गई है तो वह एक बार फिर श्री भगवान केशव के सामने आया और उन्हें रौंद देने की इच्छा से तम तमाते हुए अपने बाहों में भरकर उनको जकड़ लेना चाहा। इतनी शक्ति थी उसमें कि किसी को पकड़ के अपने बाहों में ले और उसको वहीं पिचका के मार दे। इतना ताकतवर। किंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने भगवान को अपने बाहु पास से बाहर खड़े देखा।
कोशिश तो ऐसा किया, देखा तो भगवान तो बाहर खड़े हैं। मेरे साथ पढ़िए, जब असुर ने देखा कि उसकी माया शक्ति विलुप्त हो गई है, उसकी माया शक्ति विलुप्त हो गई है, तो वह एक बार फिर श्री भगवान केशव के सामने आया, और उन्हें रौंद देने की इच्छा से तमतमाते हुए अपने बाहों में भरकर उनको जकड़ देना चाहा, किंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, जब उसने भगवान को अपने बाहुपाश से बाहर खड़े देखा, भगवान उसमें आए नहीं, कोशिश किया उसने, नहीं आ पाए भगवान। तात्पर्य, हरे कृष्णा सोनिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी, श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी द्वारा इस श्लोक में श्री भगवान को केशव कहा गया है, क्योंकि उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में एक केशी नामक असुर का वध किया था। भगवान केशव श्री कृष्ण का ही एक नाम है। श्री कृष्ण समस्त अवतारों के मूल है, और ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री गोविंद समस्त कारणों के कारण है, और वे एक साथ ही विभिन्न अवतारों तथा अंशों में विद्यमान रहने वाले हैं। असुर हमेशा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को यह सोचकर आंकने का प्रयत्न करता रहता है कि वह अपनी भौतिक शक्ति से अपनी सीमित बाहों के मध्य श्री भगवान को जकड़ सकेगा, इसलिए उसने अपनी बाहों में उन्हें भरना चाहा। उसे यह ज्ञात न था कि श्री भगवान महान से महानतम और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है। कोई भी व्यक्ति न तो उन्हें बंदी बना सकता है और न अपने वश में रख सकता है, किंतु आसुर व्यक्ति सदैव श्री भगवान की लंबाई तथा चौड़ाई मापने का प्रयास करता रहता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्री भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से विराट रूप धारण कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने भक्तों के पूज्य विग्रह के रूप में उनके डिब्बे में बंद भी हो सकते हैं। ऐसे अनेक भक्त हैं जो श्री भगवान की मूर्ति को छोटे से डिब्बे में रखते हैं तथा जहां भी जाते हैं उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, और प्रतिदिन प्रातः काल वे डिब्बे में रखे भगवान की पूजा करते हैं। परम भगवान श्री केशव या श्री कृष्ण हमारी गणना के किसी भी माप से बंधे हुए नहीं हैं। वे अपने भक्तों के साथ किसी भी उपयुक्त रूप में रह सकते हैं, किंतु आसुरी क्रियाकलापों द्वारा उनको पा सकना कठिन है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। ये भगवान को जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि यही हुआ था जब दुर्योधन ने कहा इस ग्वाले को बांध दो, बंद कर दो बात करके, तो भगवान कृष्ण धीरे 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 विशाल रूप बना दिया अपना। जब भगवान कृष्ण गए थे जब उनको समझाने के लिए कि उनको 5 गांव दे दो और पांडवों को, पहले एक दूत भेजा, आधा राज्य दे दो, नहीं माना। फिर भगवान कृष्ण गए, उनको पता था वो मानेगा नहीं, ये भगवान का की माया है, और कहा कि भाई अगर आप भगवान को दोष दे सकते हैं लोग कि तुमने युद्ध क्यों नहीं रुकवाया, तो भगवान गए, इससे छोटा क्या मांग सकता कोई। भगवान ने कहा उनको 5 गांव दे दो, 5 भाइयों को बस। उसने कहा गांव तो अलग रहा, सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा उनको, बस हो गया। भगवान ने कुछ समझाने का कोशिश किया तो दुर्योधन गुस्सा हुआ, कहा इस ग्वाले को बंद कर दो, बांध जो इसको। तो भगवान ने अपना रूप दिखाया, उसको तब भी समझ नहीं आया। देखो क्यों, क्योंकि आसुरी प्रकृति का है, उसके ऊपर आसुरी प्रकृति के अगर हम हैं तो हमको भगवान का ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान अपनी योग माया से हमारे ऊपर चादर डाल देते हैं, हमको दिखेगा ही, समझ ही नहीं आए। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च,
हमको विस्मृति रहेगी, स्मृति कभी नहीं आ सकती है। तम मुस्तिभिर विनिघ्नंतम वज्रसारे अधोक्षजः करेण कर्ण मूले मूले अहं यथा त्वाष्टम मरुत्पति। मेरे साथ पढ़िए, तम मुष्टिभिर् विनिघ्नंतम वज्रसारे अधोक्षजः करेण कर्ण मूले अहं यथा मरुत्पति। तम हिरणाक्ष को मुष्टि भी अपने मुखों से विनिघ्नंतम प्रहार करते हुए वज्र सारे वज्र के समान कठोर अधोक्षज भगवान अधोक्षज ने अधोक्षज भगवान कर्ण को कहते हैं। करेण हाथ से कर्ण मूले कनपटी पर अहन मारा यथा जैसे त्वाष्ट्रम व्रतासुर त्वष्टा का पुत्र को मरुत्पति ही मर्तों के स्वामी इंद्र ने मारा था जैसे चैटा ऐसा। तब असुर भगवान को कठोर मुखों से मारने लगा किंतु भगवान अधोक्षज ने उसकी कनपटी में उस प्रकार थप्पड़ मारा हिरणाक्ष के जिस प्रकार वरुण के स्वामी इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था। मेरे साथ पढ़े, तब वह असुर भगवान को कठोर मुक्कों से मारने लगा किंतु भगवान अधोक्षज ने उसकी कनपटी में उस प्रकार थप्पड़ मारा जिस प्रकार मर्तु के स्वामी इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। भगवान को यहाँ अक्षोध्वज अर्थात समस्त गणनाओं से परे कहा गया है। अक्षज का अर्थ है हमारी इंद्रियों की माप और अक्षोध्वज का अर्थ है जो हमारी इंद्रियों की माप से परे है। अक्षज है इंद्रियों की माप, अधोक्षज है जो माप से बाहर है, परे है, हमारे इंद्रियों से परे है, इसलिए भगवान को अधोक्षज कहा गया है। प्रभुपाद बता रहे हैं कितना है इसका। हाँ, एक श्लोक और हो सकता है, 26वां श्लोक भी। स आहतो विश्वजिता हि अवज्ञया परिभ्रमत गात उदस्त लोचनः मिषेण बावांग्री शिरोरुहो पतत यथा नगेन्द्रो नुलितो नभस्वता। मेरे साथ पढ़िए, न आहतो विश्वजिता हि अवज्ञया परिभ्रमत गात उदस्त लोचनः विषेण बाहु अंग्रिः शिरोरुहो अपतत। अब पूरा पढ़िए, विषेण बाहु अंग्रि शिरोरुहो पतत। यथा नगेन्द्रो नुलितो न भस्वता शब्दार्थ है सह वह आहत चोट खाकर विश्वजिता श्री भगवान द्वारा ही यद्यपि अवज्ञा उपेक्षा पूर्वक परिभ्रमत चक्राकर गात्र शरीर उदस्त बाहर निकली लोचना है आंखें विषीर्ण छिन्न भिन्न बाहु भुजाएं अंग्री पांव शिरह रूह बाल
अपतत गिर पड़ा यथा जैसे नग इंद्र विशाल वृक्ष लुलित उखड़ा हुआ नभस्वता आदि से। सर्वजेता भगवान ने यद्यपि अत्यंत उपेक्षा पूर्वक प्रहार किया था किंतु उससे असुर का शरीर चकराने लगा, उसकी आंखें बाहर निकल आईं, उसके हाथ तथा पैर टूट गए, सिर के बाल बिखर गए और वह अंदर से उखड़े हुए विशाल वृक्ष की भांति मृत होकर गिर पड़ा। मेरे साथ पढ़िए, पढ़िए, सर्वजेता भगवान ने यद्यपि अत्यंत उपेक्षा पूर्वक प्रहार किया था, किंतु उससे असुर का शरीर चकराने लगा, उसकी आंखें बाहर निकल आई, उसकी आंखें बाहर निकल आई, उसके हाथ तथा पैर टूट गए, उसके हाथ तथा पैर टूट गए, सिर के बाल बिखर गए, उसके बाल बिखर गए और वो अंदर से उखड़े हुए विशाल वृक्ष की भांति मृत होकर गिर पड़ा, और वो अंदर से उखड़े हुए विशाल वृक्ष की भांति मृत होकर गिर पड़ा। तात्पर्य हरे कृष्णा पूनम माता जी, पूनम चौहान माता जी, हरे कृष्णा, सोनिया माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे शिल्पोपाद जी के द्वारा। शिल्पोपाद जी की जय। भगवान को किसी भी बलवान असुरों के हिरण्याक्ष समेत मारने में एक क्षण भी नहीं लगता। वे चाहते तो हिरण्याक्ष को बहुत पहले मार डालते, किंतु वे उस असुर को अपना पूरा मायाजाल दिखाने के लिए छोड़े रहे। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि कोई इंद्रजाल से, ज्ञान की वैज्ञानिक प्रगति से अथवा भौतिक शक्ति से भगवान की समता नहीं कर सकता। उनके एक संकेत से हमारे सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं। उनकी शक्ति जो कि अनुमान के परे है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, इतनी प्रबल है कि समस्त आसुरी चालों के बावजूद भगवान की इच्छा होते ही एक ही चांटे से उस असुर की मृत्यु हो गई। जबकि चैटा भी भगवान ने इतने जोर से भी नहीं मारा था कि जो लगे, तो एक चैटा भगवान ने मारने के लिए उसकी कनपट्टी में मारा, इतना कुछ हो गया, उसके अपने प्राण ही निकल गए। ये भगवान की शक्ति असीमित, बल भगवान में असीमित, ज्ञान असीमित, सौंदर्य असीमित, यश असीमित, वैराग्य भी असीमित, यह भगवान का। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानार्जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम।